कान का अभ्यास कर रहे हैं, कान जिनको सुनाई कम पड़ता है या कानों में झंझनाहट हो जाता है उसके लिए करा रहे हैं अभी। नाक और मुंह को बंद कर लेना है, ऐसे सांस भर के नाक और मुंह बंद कर लीजिए और हवा का प्रेशर नाक से निकालने के लिए करिएगा तो कान के तरफ हवा जाएगा, महसूस करिए। रोक रोक के करिए, कान के पर्दा पर दबाव, बहुत जोर से नहीं करिएगा। उसको हवा के द्वारा उसको फैलाते हैं, सिकोड़ते हैं तो वो पर्दे पर प्रेशर पड़ रहा, महसूस हो रहा है आप लोगों को? समझ रहे क्या बता रहे हैं? नाक और मुंह बंद करके और नाक से हवा निकालने का प्रयास करिएगा। तो हवा जहाँ तो नाक बंद है, अब ये हवा कान की तरफ जाएगा, ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद में हम लोगों को दो तीन चीजों पर ध्यान देना है कि रात में हम लोगों को कभी भी बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि पेट है, इसमें 1 किलो जगह अटने का जगह है, तो 1 किलो में क्या करेंगे, आधा किलो भोजन करेंगे मान लीजिए, और आधा किलो जो जगह बचा हुआ है उसमें 250 ग्राम पानी के लिए जगह रखेंगे और 250 ग्राम हवा के लिए जगह रखेंगे, तब ना भोजन उलट पुलट होगा। अब तसला में देख लो, पूरा तसला चावल भर के डाल दी मेरा आदमी, अब पानी उसमें हटे के जगह नहीं, क्या उस चावल फेंक देगा बाहर ही नहीं, और कच्चा रह जाएगा। इसलिए जब भी भोजन करें तो ठूसम ठास मत करिएगा। अभी क्या हो रहा है कि कुछ बढ़िया चीज बना दीजिए तो कम भोजन करेगा, अब मुर्गा बना दीजिए तो पूरा एक तसला बना के ठूस लगे यहाँ तक, और रात के वो काएगा, ओ खाने क्या होता है बाबू, अरे मत का पचल है ना, सब मुर्गा बाहरी फेंक दे। नहीं के बाद लोग कहने लगते हैं अब चल लिखे हुआ। हाँ कुछ लोग ऐसे इतना ठांस लिया यहाँ तक, अब वो चलन लिखे जाते धर रहे, अब इन्हें धर के उनका के धरल जाता कहीं अलग से, बुझाता कि धरन हमन ऐसे इतना मत खाइएगा ठेल ठाल के। भोजन करना है हल्का हल्का, लेकिन चबा चबा के करना है। कैसे करना है ये घर बुझाता ना कि बेलचा लगा के आदमी उड़ा के बीक देता 2 मिनट, एक एक थरिया भोजन 2 मिनट में गपक देता आदमी भीतर, खा लिया आ खा ले लो, अब ढकार मारा ऊपर से नीचे से, अब जो बैठा वो भी भाग रहा है भाई, गंध छोड़ा दुर्गंध छोड़ेगा, पचेगा नहीं तो गंदे ना गंध मारिएगा। इसलिए हल्का भोजन, चबा चबा के भोजन, भूख लगे तबे खाना है। गांव में एक बुरी परंपरा है कि जैसे कोई बाल बच्चा को जैसे मान ली खाने का मन है, मान ले पति को बेचारा मान ली सांझ कुछ खा लिया होगा, अब घर वाला जबरदस्ती खिलाएगा, बन गई बात ऐसे सुतब मैं रात के भूखे सुतल जला, खैबा केना खैबा, तरले लबे थी दुगो रोटी खा, अब बरियारी उसको खिला रहा है बताइए, वो तीन को ठूस लिया जबरदस्त है, वो ठूस लिया। ऐसा मत करिए कभी भी, रात को खाने की इच्छा नहीं हो तो बिल्कुल नहीं खाइएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा तो भले उसको गाय को खिला दीजिए उस दिन वाला को, या दूसरे को दे दीजिए, वो बढ़िया रहेगा, वो जहर हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा जहर। और एक बार यदि भोजन किए और 4 घंटे तक खाली पानी पीना है, बीच में अन्न नहीं डालना है, बेटा एक बार भोजन करने के बाद कितने देर तक उसमें अन्न नहीं डालना है, 4 घंटा, 4 घंटा से 5 घंटा। अबे गरी कहाँ बा, एक बार नाश्ता कर लेनी भर पेट दही दूध, भोरे में चाय, चाय पी लेनी मान ली के नाश्ता जो कुछ कर लिए, अब ये आएगा ना चाचा वो लड्डू खाई आई बार आयरन देवी भी से तो बढ़िया रहता दाना दूगो चाप ले, एक वैलन हनुमान जी के प्रसादी लेके वो खा ले, यानी अगल बगल का नेता मिल गया, अरे अब ना सब बनैले मैं हमें कुछ खा लेते नहीं कृपा भर, अब ठूस रहा है लगातार, इससे क्या होगा, चर्बी बनेगा, पेट निकलेगा, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा और नस नाड़ियों में विकार पैदा होंगे और वो विकार